नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन की चटनी। बिहार में इसे बहुत पसंद किया जाता है, स्पेशली सर्दियों के सीजन में। सबसे पहले बैंगन को हम चेक कर लेंगे कि कहीं वो अंदर से खराब तो नहीं। तो ये बस थोड़ी सी, बस ऐसे करके मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल सही है। वैसे दोस्तों, सब्जियां खरीदना भी एक कला होती है जो मुझे नहीं आती। तो जब भी मैं वीडियो बनाने के लिए सब्जी खरीदने जाऊं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ जाते हैं। इससे आप इजीली बैंगन की चटनी बना सकते हैं। वैसे दोस्तों, एक सीक्रेट बताओ, बैंगन की चटनी चूल्हे पे खाने का अलग ही मजा है। वैसे शहर में हम चूल्हे कहाँ से लाएं, तो इसलिए मजबूरी में हो जाता है गैस पे बनाना। लेकिन आप एक बार जरूर इसे चूल्हे पे बना के खाइएगा। बिल्कुल इस तरह से अब इसे भी साइड में इस तरह से अब इसे भी साइड में इस तरह से डाल दूंगी। बिल्कुल इस तरह से। अब ये हमारे सारे बैंगन रेडी हो गए हैं पकाने के लिए। अब इसे मैं गैस पे पकाऊंगी। उससे पहले एक ज़रूरी काम, इसमें आप अच्छी तरह से ऑयल लगा दें। इससे क्या होता है, जब ये पक के रेडी हो जाएंगे, बहुत स्मूथली इसके छिलके निकल जाएंगे। नहीं तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे अच्छी चीज़ों खाने के लिए तो मेहनत ज़रूरी है कि नहीं। अब ये मैंने एक स्पेस टेन रखा है जो मेरे पास था पहले से ही। अब इसको ऐसे रख दूंगी, दो दो करके इसको मैं दो दो करके ऐसे पलट पलट के पकाऊंगी। इसको बीच बीच में पलटते रहेंगे सारे, ताकि हमारे बैंगन अच्छी तरह से चारों ओर से सिक जाए। बिल्कुल ऐसे मैंने चारों बैंगन को अच्छी तरह से पका लिया है। अब इसे छीलूंगी। इसको अच्छी तरह से छील के साफ करेंगे। ये मेरा एक हो गया है कंप्लीट। ये मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब इसकी डंडल हटाऊंगी। ये डंडल को ऐसे आप काट के, सारे डंडल को काट के हटा दें। ये बिल्कुल इस तरह, थोड़ी सी इसको ठंड होने दे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा बैंगन चटनी के लिए कि आप सिलबट्टे पे इसे पीसें, और नहीं, अगर सिलबट्टे आपके पास नहीं हैं तो आप इसे मिक्सी में पीस सकते हैं। और अगर मिक्सी का नहीं खाना चाहते हैं तो तीसरा ऑप्शन भी मेरे पास है जो मैं अभी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो तीसरा ऑप्शन ये है, आप गैस पे, तो तीसरा ऑप्शन ये है। इसमें आप 2 चम्मच तेल डालें। जैसे ही तेल गर्म हो जाए आप तुरंत इसमें जीरा डाल दें। तुरंत बाद इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च जो मैंने पकाया था उसको ऐसे डाल दें। थोड़ी देर भुनने के बाद इसमें आप बैंगन को काट के डाल दें। मैंने बैंगन को चाकू से काट के डाला है।
ताकि इसको मैश करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। बिल्कुल इस तरह पाँच मिनट तक इसे लगातार भुने, उसके बाद इसमें डालें नमक। नमक आप स्वाद अनुसार इसमें डालें, ज़्यादा ना डालें जितना इसमें नमक जा सके। बस हो गया, बस इसे लगातार पाँच मिनट तक भुने, फिर हमारी बैंगन की चटनी रेडी हो जाएगी। इसे आप चावल की रोटी के साथ, चपाती के साथ, चावल दाल के साथ, साग चावल के साथ खा सकते हैं आराम से। गर्मी में ये टेस्टी टेस्टी रेसिपी बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। थोड़ी सी इस तरह मैश कर दें। वैसे बैंगन को आप अच्छी तरह से पकाएंगे तो मैश करना इजी हो जाएगा, नहीं तो मिक्सी का यूज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह, वाओ क्या सेंट आ रही है दोस्तों, मैं बता नहीं सकती। इसमें लहसुन और मिर्ची की सेंट और जो बैंगन आपने पकाया है उसकी सुनहरी सेंट, पूरे किचन मेरा सेंट से भर चुका है। अब मैं जा रही हूँ खाने और आप अपने घर पे बनाइए, खाइए और फैमिली के साथ मेरी ये रेसिपी शेयर कीजिए। चलो अब ये हो गया है रेडी। अब सबसे लास्ट में मुझे जो पसंद है कच्चा तेल सरसों का, मैं ये डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो डालो, नहीं तो स्किप कर दीजिए, फिर भी टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगी। अब मेरी गैस हो रही है बंद, आप लोग घर पे अपने घर पे बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए।